ये पता नहीं क्या ये तुम्हारा है। बिल्कुल नहीं। तो ये किसका है? रखो ये अपने पास ही, मुझे इस तरह की गंदगी से ना पकड़ा करो। ये हमारे बच्चे पता नहीं क्या गंदी चीज़ें लाती हैं इस घर में। ओ हाँ, जब तुम जैसा बाप होगा तो यही चीज़ें आएंगी इस घर में, है ना? तुम एक घटिया बाप हो। तुम मेरे भी इंसान में खाती हो, कभी खुद को देखा है? हर वक्त योगा करती रहती हो तुम, हर वक्त योगा। पहाड़ में जाओ माइकल। हाँ, तुम मेरे पे इल्ज़ाम लगाओ। हाँ, मैंने तुम पर क्या इल्ज़ाम लगाया है? तुम्हारी वजह से ही मेरे बच्चे ख़राब नहीं हो रहे? हाँ, तुमने हमारी शादी को इस मुकाम पे नहीं लिया है। ओह मैं, तुमने मेरी सारी ज़िंदगी ख़राब कर दी। तुम हो वो इंसान जिसने मुझे हर एक एक चीज़ के लिए तड़पाया है। मैंने तुम्हें तड़पाया है? मैंने? तुम खुद तड़पती रहती हो, खुद योगा करती रहती हो। अरे किसी ने योगा क्या है? योगा किया करें माइकल जनाब, आपकी बहुत अच्छी है। अपनी योगा अपने अंदर घुसा लो। माइकल जनाब, आप बहुत गुस्सा करते हैं। ये रहा मोटे तेरी चीज। ना ना ना, इतने आराम से नहीं दूंगा। अरे मेरी चीज मुझे वापस कर दे, ऐसा नहीं हो सका। माइकल मजाक मत करो। लगता है मैं गलत वक्त पर आ गया। ड्राइवर माइकल। अरे मेरा यार, अरे मुझे तुमको देख के बड़ी खुशी हुई। हाँ ड्राइवर अंकल, मुझे भी। अरे तुमसे ये रिएक्शन एक्सपेक्टेड था माइकल। और जिमी कैसे हो? तुमने मेरे पैसों से ये घर बनाया, तुमने मेरी चीजें, मुझसे सब कुछ छीन लिया। मेरे दोस्त, तुम तो दोस्त कहलाने के लायक भी नहीं हो। अपने अपने भाइयों जैसे दोस्तों को मार कर तू इस मेंशन में आया, और तू बोल रहा है कि तेरे लिए एक ऑकवर्ड सिचुएशन है। कैसी ऑकवर्ड सिचुएशन? देख, मैं इस तरह की चीज़ों के पीछे नहीं पड़ता। एक बहुत ज़्यादा टाइम गुजर गया है। सच में मैं तेरे किसी तरह काम नहीं आ सकता आगे। ओह, मुझे लग रहा था। ग्रेट ग्रेट, आई एम सॉरी, मैंने आप सबकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ी मेस पैदा की। और तुम्हें माइक अमेंडा, मुझे तुम्हारी बड़ी याद आई। अमेंडा बहुत याद आई तुम्हारी, और मेरा मोटा दोस्त जिमी। तुम बहुत मोटे हो गए हो, एक्सरसाइज किया करो। तुम कौन हो? कौन हो तुम? नमस्ते, मैं योगा कराता हूँ। आह गुड, लेकिन तुम लगते नहीं हो योगा वाले। ट्रेस किधर है? तुम्हारी बहन किधर है जिमी? वो टीवी में जाने के लिए ट्राई कर रही है। फेमोशिप, क्या वो फेमोशिप में है। क्या बकवास कर रहे हो? मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा तेरी। जी मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं सच ही बोल रहा हूँ। वो उधर ही गई है। उसके अंदर ऐसा क्या टैलेंट है जो वो उधर चली गई? वो डांसिंग बहुत अच्छी कर लेती है। माइकल, तुम उसके काम में ना पड़ो। तुम चुप करो अमेंडा। तुम जिमी, वो तुम्हें बता के गई है। हाँ जी डैडी, वो कहाँ गई है? वो मेजोन बैंक के ऊपर। चलो ड्राइवर, आओ तुम मेरे साथ चलो। ओह, मैं तो अपना काम करने आया था यहाँ पर, तुम मुझे कहाँ लेके निकल रहे हो? मैं तुम्हारी बेटी के लिए जा रहा हूँ सर, तुम्हारे साथ। ड्राइवर, माइकल, तुम दोनों कहाँ जा रहे हो? रुक जाओ, बेवकूफ मोटा। बस कर दो ड्राइवर, बस कर दो। क्यों तुम उस बात को लेके आज भी रो रहे हो? मैं तक भूल गया था कि मेरा कोई दोस्त ड्राइवर भी है। हाँ तुम भूल गए थे। सच में ट्रेस की किधर है? ट्रेस ही किधर है? ड्रेस किधर है बताओ? वो यहीं कहीं होनी चाहिए। क्या ना, मैं पापा पापा, आप ड्राइवर अंकल, आप भी, आप दोनों कैसे हैं यहाँ पर?
चलो जल्दी आ जाते हैं वहीं। जरूरत कैसे है मेरी बेटी के साथ फर्क छाड़ने की? मैं तुझे देख लूंगा मां। 1 2 3 गो स्टार्ट। अरे डेव देखो यहाँ कोई नमूना आ रहा है। अरे ये तो मेरा दोस्त माइकल है। अरे कैसे हैं आप सब? ओह माइकल बैठो यहाँ। तुम इतनी इंपॉर्टेंट जगह पे इस तरह के कपड़े पहन के आए हो? हाँ तो इसमें क्या बुराई है? बड़ी बुराइयाँ हैं इसमें। चलो लेकिन तुम बैठ जाओ, कोई नहीं सही है बैठ जाए, क्या कह सकते हैं। लेकिन तुम जो हो क्यों आए हो यहाँ पर, काम है तुम्हारे यहाँ पर? मैं शायद तुम्हें जानता हूँ, मैंने तुम्हारा टीवी पे शो देखा हुआ है। हाँ तुम मुझे जानते हो, तुमने मेरे टीवी पे शो देखा हुआ है। वेरी गुड, बैठो बैठो बैठो। देस माइकल यहाँ तुम इधर, हम इस बारे में बात नहीं करने आए, कुछ इम्पोर्टेंट बात है हमारी। देखो डेव, मैं अपने आप को इस काम में नहीं देख रहा। तुम अपने काम अपने आप को कहाँ देख रहे हो? अपनी आवाज़ को बंद ही रखो तो बेहतर है। हम जो बोल रहे हैं वो करते रहो, तुम बचे रहोगे, समझे हो? मैं तुम्हारी इन फीकी धमकियों से नहीं डरने वाला, तो डरने लग जाओ क्योंकि हम बहुत खतरनाक हैं, समझे हो? मैं कभी भी नहीं डरूंगा, समझे हो? और तुम ये बात याद रखो, मैं इस फालतू काम में कभी नहीं पड़ूंगा। मैं क्यों, तुम अपने आप की जबान को संभाल लो वरना ये ना हो मैं तुम्हें डबो दूँ। तुम जैसे एजेंट्स का काम हम जैसे लोगों से होता है, अगर मैं नहीं करूँगा तो तुम बर्बाद हो जाओगे, समझ लो? इसलिए अपनी औकात में रहो। देव इसको समझा दो वरना मैं इसको बर्बाद कर दूँगा। देव अपने इस दोस्त को भी समझा दो वरना मैं इसके इतने छोटे छोटे टुकड़े करूँगा कि मिलेंगे भी नहीं। कर सकता है तो कर दे, मैं तेरी तुझे देख लूँगा। देव अब तुम लोग सुन लो, तुम लोगों को जाना है, उस आदमी को लेकर आना है। वो आदमी HIR की कब्ज़े में है इस वक्त, उसको वहाँ से लेकर आना है। वो लोग इसके ऊपर तशद्दुद कर रहे होंगे, समझ गए हो? और उस आदमी को बाहिफाजत लेकर आना और अपने साथ कुछ लोग भी ले जाओ क्योंकि वहाँ पर ख़तरा होगा। तुम फिक्र मत करो, मैं ले जाऊँगा, तुम बैठो यहाँ पर। मैं एक बच्चे को जानता हूँ, मैं उसको बुला लेता हूँ। और हाँ ड्राइवर को भी बुलाओ। नहीं ड्राइवर नहीं, वो दिमाग ख़राब करता है। नहीं ड्राइवर को भी बुलाओ, वो इस काम के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। चलो ठीक है मैं उसको भी बुला लेता हूँ। ड्राइवर को उस बात का सच तो नहीं पता चला ना, उस रात का सच अभी तक तुम्हें और मुझे पता है, ठीक है? इस तरह के घटिया लोगों के लिए तुम काम करते हो, दफा जाओ यहाँ से। ड्राइवर चुप कर जा, ये कौन है? ये इसने मेरे साथ एक काम किया है, तो वही ज्वेलरी शॉप वाला चोरी किया इसने तुम्हारे साथ? हाँ वही। इससे तुमने कुछ अच्छा सीखा भी है या नहीं, या ऐवे ही हो तुम? आप मुझे क्या बोलना चाहती हैं मैं समझ नहीं पा रहा। ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है, एक्सीलेंट काम करता है यार, तुम क्या बात करते हो ये? ठीक है लेकिन मुझे आप लोग लेके कहाँ जा रहे हैं? अभी तुम दोनों को पता चल जाएगा कि तुम दोनों कहाँ जा रहे हो। चलो ड्राइवर, तुम्हें हेलीकॉप्टर उड़ाना है और तुम्हें दूर से स्नाइपिंग करनी है, समझे हो? स्नाइपिंग दूर से ही होती है, ठीक है। मजाक मत उड़ाओ मेरी बात का, मेरी बात समझ गया तुम दोनों? हाँ हाँ हम दोनों समझ गए हैं। हाँ मैं भी समझ गया हूँ, तो चलो गुड लक, जाओ तुम बाइक पर आओ, हम हेलीकॉप्टर पर जाएंगे। चलो माइकल
इस गवर्नमेंट की इंसाइड बजा दें। चलो माय ट्रेवर, माय बेस्ट फ्रेंड, देखते हैं। माइकल कस के पकड़ना, थोड़ा सा तेज चलाता हूँ अभी भी। तुम हमें बता रहे हो कि नहीं वो आदमी कहाँ छुपा हुआ है? अभी के अभी बताओ वरना तुम्हारा वो हाल कर दूंगी कि तुम खुद चढ़ने लग जाओ। मुझे नहीं पता। तुम्हें बस सब पता है, बताओ। पकड़ो इसे। और नहीं, नहीं। सच से बोल रही हूँ, बता दो वरना अच्छा नहीं होगा। मुझे कुछ नहीं पता, प्लीज। चलो शाबाश, अब तुम FBI की कैद में रहो। मिलेंगे कभी ना कभी बाद में ज़रूर। अरे अरे, आप लोगों ने मुझे वादा किया था आप लोग मुझे छोड़ देंगे। भाई भाई, इसको आराम से मारना। देव मेरा यार, कैसा है तू? ठीक हूँ माइकल, तुम्हारे लिए बहुत बुरी खबर भी है और बहुत अच्छी खबर भी है। तुम्हारी उस चोरी जो तुमने वो ज्वेलरी शॉप में चोरी की थी, उसका कुछ लोगों को अंदाज़ा लग गया है। वो तुम्हारा नाम ढूंढ रहे हैं। अच्छा, उनको बोलो कि मैं उनसे तुम्हें बचा लूँगा। नहीं, तुम उनको बोलो आके मुझे पकड़ के ले जाएं। मैं इनकी हथकड़ी के लिए अपने हाथ खुद सामने करूँगा। तुम मेरे कुछ काम करो और मैं तुम्हारे कुछ काम करूँगा। ऐसा ही होगा, गिव एंड टेक का मामला होगा माइकल। ठीक है, मैं तुम्हारे किस काम आ सकता हूँ देव? मेरे बहुत मसले हैं, लेकिन अभी हमारे लिए सामने सबसे बड़ा मसला ड्राइवर है। वो कुछ दिनों से यहाँ आके रहने लग गया है। कहीं उसको ये बात पता ना चल जाए जो हमने उससे इतने सालों तक छुपाई। हमें किसी भी हाल में उससे ये बातें छुपानी पड़ेंगी, वरना हमें बहुत बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। मैं समझ रहा हूँ देव, तुम अपने कुछ काम बताओ। मेरी एक फाइल है हॉस्पिटल में, तुम्हें जाना है, वो लानी है, समझे हो? ठीक है देव, मैं कर लूँगा वो काम भी। मैं तुम्हें एक तस्वीर दिखा रहा हूँ, वो तस्वीर देख के तुम्हें अंदाज़ा हो जाएगा कि किस इंसान की फाइल लेकर आनी है, समझे हो? मुझे तुम पर पूरा यकीन है, वरना ये काम मैं किसी अरे गहरे को ना बोलूं। मुझे भी पता है, मुझे खुद पर पूरा यकीन है। इस आदमी की फाइल लानी है। ठीक है, मैं ले आऊँगा। वैसे इसने किया क्या? बहुत कुछ ऐसा जो इसको नहीं करना चाहिए था। अरे पापा, इसकी किडनी कितने की बिकेगी वैसे? किडनी के साथ आंखें भी हैं वो सड़ी वाली। ओ तेरी खैर, मुर्दा जिंदा हो गया। अरे सिक्योरिटी, मुर्दा जिंदा हो गया। ये रहे मेरे कपड़े, पहले कपड़े पहन लो फिर इनको बताता हूँ। हेलो डेव, मुझे तुम्हारी फाइल मिल गई है। अच्छा, तुम जल्द अज जल्द वहाँ से निकलो किसी भी हाल में।
हेलो फ्रेंडली, कैसे हो तुम? तुम्हें ये बात जानकर बड़ा दुख होगा कि आजकल कुछ ऐसे मसले चल रहे हैं जिन पर हमें कोई हल निकालना चाहिए। मुझे पता है इस बात का। कुछ ऐसे राज हैं जो मैं ड्राइवर से आज तक छुपाता आया हूँ। अब मुझे डर है कहीं वो आज उसको पता न चल जाए। क्या किया था ऐसा तुमने पास्ट में? वो तुम्हारा मसला नहीं है फ्रैंकलिन। अब हमें कुछ बड़ा करना है, कोई बड़ी चोरी जिससे हम दोनों की किस्मत बदल जाए। चलो ठीक है, कभी बाद में मिलकर बात करेंगे। ठीक है, बाद में मिलकर बात करेंगे।